दोस्तों आप लोग साइट पर देख सकते हैं यहाँ पर 195 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन व्यूज की अगर रही बात तो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर हर वीडियो पे 400 के ऊपर व्यूज आ रहा है, आप लोग के सामने सारे रिजल्ट है, जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं यहाँ पर सभी में 400 के ऊपर व्यूज है। इसमें तो आप लोग देख लीजिए 1100 व्यूज आ चुका है और इस वीडियो में देखिए 1300 व्यूज आ चुका है, बल्कि यहाँ पर सब्सक्राइबर कितने हैं आप लोग देख लीजिए, सिर्फ 195 सब्सक्राइबर हैं। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मेरा ये जो चैनल है ये व्लॉग का चैनल है, यहाँ पर मैं आपको इंप्रेशन दिखा देता हूँ कि बिल्कुल नया चैनल, 0 सब्सक्राइबर से शुरुआत की और मैं यहाँ पर रीच पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए पहला वीडियो ही मेरा 10,000 से ऊपर इंप्रेशन पहुंच गया। मैंने ऐसा क्या कर दिया जिस वजह से मेरे इस वीडियो के इतने अच्छे व्यूज आए, इतना अच्छा इंप्रेशन आया, मैं आपको दिखा देता हूं। मेरा हर वीडियो का जो इंप्रेशन है वो आपको मैं दिखा देता हूं, सबसे लास्ट वीडियो इसका दिखा देता हूं इंप्रेशन, आप लोग ध्यान से देखिएगा, हर वीडियो का मेरा इंप्रेशन 5,000 से ऊपर जाता है। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए 6,000 इंप्रेशन गया है। क्या मैंने ऐसा किया, क्या मैं ट्रिक अप्लाई करता हूं, वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, ठीक है। जब आपका चैनल बिल्कुल नया होता है तो आप लोग YouTube पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, कंटेंट बेहतर बनाते हैं, लेकिन आपका व्यूज ही नहीं आता, ठीक है। प्रॉब्लम कहां पर आती है सारी चीजें बताऊंगा, सोल्यूशन भी बताऊंगा, लेकिन मेरे भाई याद रखना, एक वीडियो तुम्हारी लाइफ को चेंज करने वाला वीडियो है। अगर तुम्हारे वीडियो पे व्यूज नहीं आता तो ये वीडियो तुम्हारे व्यूज 100% बढ़ाएगा, बस चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं शुरू से शुरू करता हूं कि आप लोग ऐसी कौन सी गलती करते हो जिस वजह से आप लोगों के व्यूज नहीं बढ़ते। अब देखिए दोस्तों, आप लोग जब यूट्यूब पर आते हो ना तो सबसे बड़ी तो आप लोग गलती यही करते हो कि भैया आप लोग अपने व्यूज बढ़ाने के लिए सोचते हो कि अपना वीडियो आपने जैसे ही बनाया वैसे ही आप अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करते हो, या फिर आप लोग गलती क्या करते हो, अपना वीडियो खुद ही देखने लगते हो। देखो एक बात समझना, जब भी आप अपना वीडियो अपने दोस्तों को भेजते हैं या अपना वीडियो आप खुद देखते हैं तो यूट्यूब ना इस चालाकी को बहुत अच्छी तरीके समझ जाता है, क्योंकि देखो एक बात समझना, ये 2024 चल रहा है, यूट्यूब इतना ज्यादा मतलब अपडेट हो चुका है कि यहां पर अगर आप कोई भी चालाकी YouTube के साथ करते हो तो आपका चैनल YouTube कभी भी बूस्ट करने वाला नहीं है, कभी भी ग्रो करने वाला नहीं है। ये जो मेरा चैनल है दोस्तों, बिलीव कर लीजिए, यहां पर मैंने टोटल कितने वीडियो डाले मैं आपको दिखा देता हूं, साइड पर देख लीजिए, यहां पर मैं कॉन्टेंट में क्लिक करता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सिर्फ मैंने यहां पर दोस्तों 7 वीडियो अपलोड किए हैं और हर वीडियो पे यहां पर अच्छा खासा व्यूज आ रहा है। अब मैं आपको चीज और दिखा देता हूं, क्योंकि आप लोग के मन में होगा कि शिवार्थ शुक्ला 2.0 बहुत ही बड़ा चैनल है, 30,000 सब्सक्राइबर है, तो भैया ये अपना वीडियो को अपने कम्युनिटी में शेयर कर देता होगा और भैया वहां से इसको बूस्टअप मिल जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर मैं आपको सबसे पॉपुलर वीडियो पे ही लेके चलता हूं, ठीक है। यहां पर देखिए मैं इसको क्लिक करता हूं, यहां पर आपको दिखाता हूं कि भैया हमारे इस वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यूज कहां से आया, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा, रिसर्च वाले ऑप्शन पे चलता हूं, ये देखिए मैंने यहां पर क्लिक कर दिया, देखिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं 47% जो व्यूज है वो चैनल के पेज से आए, मतलब मैंने अपने वीडियो को अपने बड़े वाले चैनल यानी शिवार्थ शुक्ला 2.0 पे शेयर किया और वहां से व्यूज आए। लेकिन दोस्तों यहां पर देखिए ब्राउज फीचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं 21% व्यूज ब्राउज फीचर से आया है, ठीक है। उसके बाद देखिए 15% व्यूज सजेस्टेड वीडियो से आया है, उसके बाद देखिए 8.8% व्यूज यूट्यूब फीचर्स से आया है, डायरेक्ट अननोन से 4.8% आया है, यूट्यूब सर्च से 1.1% व्यूज आया है, एक्सटर्नल सोर्सेस से 0.2% व्यूज आया है, बात समझ गए, और नोटिफिकेशन से 0.2% व्यूज आया है। यहां पर अगर मैं ओवरऑल बताऊं, जब मैंने इस वीडियो को अपने चैनल पर शेयर किया था वहां से 50% भी व्यूज नहीं आया, जबकि 50% से ऊपर व्यूज मेरा अदर फीचर से आया। तो भैया मैंने ऐसी कौन सी टेक्निक अप्लाई की, वो टेक्निक बताने वाला हूं, बस उसको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि तुम लोग क्या गलती करोगे कि भैया वीडियो बनाओगे, जैसे वीडियो बन जाएगा अपने दोस्तों को शेयर कर दोगे, मुकेश भाई को शेयर करोगे, सुरेश भाई को, और वो मुकेश सुरेश कौन है जो तुम्हारी निंदा करते हैं, जो तुम्हारे वीडियो को देखकर तुमको गाली देते हैं, उनको तुम वो वीडियो शेयर करते हो, और जैसे ही वो तुम्हारी वीडियो देखते हैं तुमको माँ बहन की गाली देते। एक बात ध्यान रखना, अगर तुमको रियल में यूट्यूबर बनना है ना मेरे भाई, तो याद रखना ये सब गेम खेलना बंद कर दो, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना और अपना खुद का वीडियो देखना, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर तुमको यही बताते हैं कि भैया जब व्यूज नहीं आता, शुरू में आपने चैनल खोला है तो भैया अपने वीडियो को खुद से देखो, खुद से देखोगे तो व्यूज आएगा। मेरे भाई यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तुम्हें क्या लगता है
तुम अपना वीडियो खुद देखोगे तब यूट्यूब तुमको पोस्ट करेगा, नहीं। आपका काम क्या है वो सारी चीजें बताने वाला हूं, लेकिन ये गलती मेरे भाई मत करना जो कर रहे हो अभी तक तुमने की, ठीक है ना। अपना वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले तुम ही व्यूअर बना तू, है ना, होता है कि नहीं, कमेंट करके बताइए। सबसे पहले व्यूअर तुम ही बनते हो, अपने दो चार मोबाइल खोल लिया, अपने दोस्तों के पास चले गए, जबरदस्ती उनके मोबाइल से वीडियो देख लिया, जबरदस्ती वो छिना रहे मोबाइल अपना, फिर भी तुम नहीं उसका मोबाइल से अपना वीडियो देखोगे कि भैया हमारा व्यूज बढ़ जाए। ये सब तरीके नहीं है यार व्यूज बढ़ाने के, ये सब ढकोसलेबाजी खत्म करो। इस तरीके से कभी भी तुम्हारा चैनल ग्रो होने वाला नहीं है कि दोस्त का मोबाइल छीन लिया उस पर तुमने वीडियो देख लिया, रिश्तेदारों को वीडियो भेज दिया उन्होंने आपका थोड़ा सा वीडियो देख लिया, अपना वीडियो खुद देख लिया। जबरदस्ती रिश्तेदारों को सताना बंद करो, ठीक है, वो लोग तुम्हारा वीडियो देख करके इरिटेट होते हैं। तो अब कहानी यह है कि हम अपने वीडियो के व्यूज बढ़ाएं तो बढ़ाएं कैसे, क्या ऐसा करें, नए चैनल पर क्या ऐसा करें, कौन सा ऐसा गेम खेले। मेरे भाई याद रखना, ये बातें वो बताने वाला हूं जो जल्दी तुमको कोई बताने वाला है नहीं, क्योंकि हर कोई तुमको सिर्फ रास्ते से भटका रहा है और मैं तुमको सही रास्ता दिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने तुमको अपने आपके सामने यहां पर एग्जाम्पल दिखा दिया कि देखिए यहां पर इस चैनल पर सिर्फ 195 सब्सक्राइबर है और व्यूज हर वीडियो पे 400-500 के इर्द गिर्द आ रहा है। तो भैया टेक्निक तो कुछ है ना, तभी तो हो रहा है। और मैंने आपको यह भी दिखा दिया कि सारे व्यूज चैनल के पेज से नहीं आ रहे, व्यूज ब्राउज फीचर से भी आ रहा है, सबसे कमाल की चीज है। अब भैया कैसे आएंगे आपके व्यूज, सॉल्यूशन पे बात करते हैं। प्रॉब्लम आपको बता दी कि आपको ये चीजें नहीं करनी, अब करना क्या है। सबसे पहली चीज तो एक बेहतर कंटेंट आपको बनाना है, एक ऐसा कंटेंट जो YouTube पर पहले से अवेलेबल ना हो। आप लोग यहां पर देखिए, मैंने जितना भी यहां पर कंटेंट डाला है सभी के टाइटल ना कोई सर्चेबल है ना कोई कुछ है, लेकिन हाँ एक बात है, ये सारे के सारे टाइटल बिल्कुल नए हैं और शायद आप कभी भी इस टाइटल को सर्च करोगे तो मेरे सिवा आपको कोई भी वीडियो नहीं नजर आएगा। मतलब मैं गेम क्या खेल रहा हूं बिल्कुल ध्यान समझिएगा। यहां पर मैंने डाला है, अब जब खुद को असफल महसूस करना तो ये करना। अब भैया ये कौन सर्च करेगा बताइए, कोई सर्च करेगा क्या, नहीं। लेकिन यहां पर मैंने एक गेम क्या खेला, यहां पर टाइटल में ही कुछ हैशटैग डाल दिए। यहां पर तुम लोग गलती कर रहे हो, आप लोग अपना जब टाइटल बना रहे हो अपने ब्लॉग चैनल का, अदर किसी भी चैनल का, तो आप लोग अपने टाइटल पर हैशटैग नहीं डाल रहे। अब आप क्यों नहीं डाल रहे, उसका भी कारण है, क्योंकि बड़े बड़े क्रिएटर नहीं डाल रहे। अरे मेरे भैया, मोरे लल्ला, मोरे पप्पा, भैया थोड़ा सीखो, वो बड़े क्रिएटर है मेरे भाई। आज हम अपने शिवार्थराज शुक्ला 2.0 वाले चैनल पे कोई भी वीडियो डाल देंगे 100% व्यूज आना तय, 1000 व्यूज आना तो तय है, लेकिन नए चैनल पे ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो नए चैनल पे व्यूज आएंगे कैसे, जब मैं अपने चैनल के नए चैनल पर हैशटैग अपने टाइटल पर यूज कर रहा हूं तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो भैया, क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि तुमको शर्म आती, तुमको तो अपने वीडियो को भेजना अपने रिश्तेदारों को, क्योंकि आपके व्यूज वहां से आएंगे आपको लगता है। तो भैया अपने टाइटल को थोड़ा सा नया बनाओ, ऐसा बनाओ जिस टाइप का कोई टाइटल आज से पहले उपस्थित ना हो, बस समझ गए। उसके बाद आपको अपने टाइटल पर हैशटैग डालना ही डालना है, यहां से आपके व्यूज बूस्टअप होते हैं, बात समझ गए। तुरंत बूस्टअप भले ना हो लेकिन थोड़े समय के बाद बूस्टअप जरूर होंगे। उसके बाद अब बारी आती है डिस्क्रिप्शन की। यहां पर देखिए मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पे कोई खास चीजें नहीं डाली, आप लोग सामने आपके सब एग्जांपल है, कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं जो बना करके कि भैया कोई तिकड़म भरा, सब कुछ सामने आपके है। यहां पर मैं गेम सिर्फ खेल रहा हूं तो किस चीज पर, हैशटैग पर। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, अपने डिस्क्रिप्शन पे हैशटैग एंड में डालते हैं। आपको अगर आपका चैनल नया है, आपके व्यूज नहीं आ रहे, तो आपको अपने हैशटैग को बिल्कुल शुरुआत पे डालना है ताकि आपका वीडियो रैंक कर सके, आपके वीडियो को ब्राउज फीचर पे यूट्यूब डाल सके, बात समझ गए, जैसे मेरे वीडियो को डाला है। इसके बाद मैं आपको टैग दिखा देता हूं, दिखाता हूं टैग। यहां पर टैग में जाते हैं, आप लोग देखिए कितने छोटे छोटे कुछ सम टैग्स हैं, जो टॉपिक से रिलेटेड मेरा वीडियो है उसी से रिलेटेड कुछ थोड़े से टैग आपको यहां पर दिख रहे हैं। पहला टैग क्या है, मोटिवेशनल ब्लॉग, दूसरा क्या है मोटिवेशनल ब्लॉग, तीसरा क्या है मेरे चैनल का नाम, उसके बाद है व्लॉग्स, फिर व्लॉग, फिर नेचर, बाकी कुछ नहीं। इतना कम मैंने अपने में टैग डाला है। उसके बाद भैया नया चैनल है यार, थोड़ा शर्म कर लो, नया चैनल है, अभी 195 सब्सक्राइबर है सिर्फ,
और यहाँ पर अगर इस लेवल पे व्यूज आ रहा है तो आपको सीखना पड़ेगा, चीजों को मानना पड़ेगा, तब काम होगा। आप अपने चैनल पे देखिएगा, अपने वीडियो पे देखिएगा इंप्रेशन कितना जा रहा है, कितना जा रहा है चेक कर लीजिएगा। लेकिन वहीं पर हमारे वीडियो पे इंप्रेशन आपको हम दिखाते हैं कितना जा रहा है, देखिए ये सेकंड लास्ट वीडियो है, इंप्रेशन दिखाते हैं, देखिए देखिए 7000 इंप्रेशन गया है कि नहीं आप लोग बताइए। और देखिए 16% ब्राउज फीचर्स यूज आ रहा है, कैसे आ रहा है? अब भैया दिमाग से हटा देना कि अपने चैनल पे शेयर करते हैं, इसलिए चैनल पे जब शेयर करते हैं वीडियो तो व्यूज कहां से आता है? चैनल के पेज से आता है। और जब YouTube आपके वीडियो को रिकमेंड करता है तो व्यूज कहां से आता है? ब्राउज फीचर से और सजेस्टर से आता है। तो टेक्निक अप्लाई करो, और ये टेक्निक मैं अपने एवरी वीडियो पे लगभग अप्लाई करो। अगर तुम्हारा चैनल नया है, नए नए वीडियो डालना चालू किए हो, तो अपने टाइटल पर हैशटैग को डालना चालू करो। अगर ये नहीं करोगे तो भैया तुम्हारा चैनल ग्रो नहीं होगा। शुरुआत में जो भी चैनल ग्रो होते हैं उसका मेन रीजन होता है आपके जो भी हैशटैग होते हैं, जिसके बारे में आपको कोई नहीं बता रहा, वो हैशटैग ही है जो आपको शुरुआत में बूस्टअप दिलाएंगे। उसके बाद मैं फिर बोलूंगा आपको, भाई कंटेंट बहुत जरूरी है। अगर आप सोचेंगे टट्टी जैसा कंटेंट बना के यूट्यूब पे डाल देंगे तो 2024 से नहीं चलने वाला, कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ यूनिक करना पड़ेगा, तभी यूट्यूब आपको बूस्ट करेगा। बात समझ गए? तो नया कुछ काम करो, कुछ नया सीखो, कुछ नया करने की कोशिश करो। तो भैया ऐसे काम करो, आपको जरूर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिले। तो उम्मीद है आज के वीडियो में आपने काफी कुछ सीखा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूट्यूब पर कैसे तुमको जेन्युइन तरीके से ग्रो होना है ये मैंने सिखाया। आज के वीडियो में इतना ही, मैं तुमको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।